हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या यमी सैंडविच लग रहे हैं, है ना? सुबह सुबह अगर इस तरह का लाइट ब्रेकफास्ट मिल जाए और शाम की चाय के साथ अगर ऐसी रिफ्रेशमेंट हो तो मजा ना आ जाए। इस तरह का यमी यमी ब्रेकफास्ट और रिफ्रेशमेंट देख करके नखरे वाले बच्चे भी लाइन पे आ जाएंगे। तो चलिए, देर किस बात की, बनाते हैं वेज मायो चीज चिली सैंडविचेस। जैसा नाम वैसा काम। तो चलिए रिवाइंड मोड पे। सैंडविच बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है कटा हुआ पनीर, बटर, ग्रेटेड चीज, काला नमक, ब्लैक पेपर सॉल्ट, वेज मेयोनीज, बारीक कटी हुई ऑरेंज गाजर, बारीक कटा हुआ टमाटर, चॉप्ड कुकुम्बर, चॉप्ड कैप्सिकम, बारीक कटी हुई लाल गाजर और हमारे ब्रेड स्लाइसेस। मायो सैंडविच बनाने के लिए हमने अपनी ब्रेड स्लाइसेस के साइड्स को कट कर लिया है। मायो सैंडविच की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, जिसके अंदर मैं अब यहाँ पर अपने ग्रीन चॉप्ड कैप्सिकम डालूंगी, साथ ही रेड वाली चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड कुकुम्बर, ये हमारा चॉप्ड ऑरेंज कैरेट हमने डाला, साथ ही कटे हुए टमाटर। मेरे पास कुछ कटा हुआ पनीर पड़ा हुआ था, मैंने उसे भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये हमारा ग्रेटेड चीज, इसी समय हम डालेंगे हमारी वेज मेयोनीज। आप स्टफिंग के अनुसार मेयोनीज का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और भी डाल सकते हैं। अब हर चीज को अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अब इसी समय मैं इसके अंदर काला नमक स्प्रिंकल करूंगी, साथ ही काली मिर्च। मायो सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हमारे ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगाना शुरू कर दिया है। अब साथ ही जो हमारी स्टफिंग हमने रेडी की थी वो इसके अंदर फिल करेंगे। तरीके से हमने अपने तीनों सैंडविचेस को रेडी कर लिया। बस अब क्या है, स्लाइसेस को मन चाहे आकार में काटिए, खाइए और आम पन्ना या आपके किसी भी फेवरेट ड्रिंक के साथ इस रिफ्रेशमेंट को एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए।